फ्रेंड्स प्रोलिक स्टेज पर मैं संगीता बठेजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स हैंडीक्राफ्ट आइटम अगर आप मार्केट से खरीदते हैं तो ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है और अगर हम इसे घर पे बनाएं तो ये बहुत सस्ती भी पड़ेगी और एक अपने हाथ का बनाया का इफेक्ट ही अलग होता है। तो आज हम एक टेक्सचर पॉट बनाएंगे, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये आपको कैसा लगा। और हाँ, मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। टेक्सचर पॉट बनाने के लिए हमें चाहिए चाइना क्ले, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, फेविकॉल और पॉट। सबसे पहले हम इसका बेस तैयार करेंगे। बेस तैयार करने के लिए आपने मिट्टी का पॉट लेना है, जिस भी शेप का आप पॉट बनाए उस पॉट को आप ले लीजिएगा। चाइना क्ले और पीओपी आपको ये दोनों चीजें पेंट वाली शॉप पे इजीली अवेलेबल है, मिल जाएंगी। पेंट वाली शॉप पे जाके आप चाइना क्ले और पीओपी मांगेंगे। अब हम एक भाग चाइना क्ले लेंगे और दो भाग हमने पीओपी लेना है। 1:2 का रेशियो रहेगा इसमें। पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस ये जल्दी सूख जाता है इसलिए इसमें हमने चाइना क्ले को ऐड किया है। जिस भी पॉट को हम तैयार करेंगे उस पे थोड़ा सा व्हाइट ग्लू जो भी आप लेके आए वो डाल लीजिएगा इस पे। बहुत ज्यादा नहीं चाहिए हमें, बहुत थोड़ा सा ही चाहिए। हाथ में पानी लेके इसे स्प्रेड करेंगे। अब चाइना क्ले और पीओपी को मिक्स करेंगे और पानी से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे इसका एक घोल तैयार करेंगे। ध्यान रखना है इसमें कोई लम्स नहीं रहे, मिट्टी है, अगर कोई कंकड़ पत्थर हो हाथ में आ जाए तो इस तरह से निकाल दीजिएगा। ये इस तरीके का पेस्ट हमें चाहिए, थोड़ा गाढ़ा होगा तो चलेगा लेकिन इससे पतला नहीं होना चाहिए। इस तरीके से पॉट को आप पकड़ के इस पे ये घोल को सेट करेंगे, चारों तरफ से अच्छे से इसको लगा लीजिएगा। इस तरह से सारे पॉट पे आपने लगा लेना है इस घोल को। देन हम अब इसे टेक्सचर देंगे। टेक्सचर देने के लिए अपने हाथ को साफ करेंगे, फिंगर को इस तरीके से ऊपर उठाते हुए, जहां कहीं भी घोल नहीं है वहां लगा लीजिएगा। जब तक ये सेटल नहीं होता तब तक हम इसे इसी तरीके से टेक्सचर देते जाएंगे। इस तरीके से फिंगर से हम सभी जगह इक्वली टेक्सचर इसको क्रिएट कर देंगे और फिर इसे धूप में अच्छे से सूखने तक सुखाएंगे। ये हमारा पॉट सूख गया है, अब हम इस पे कलर करेंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर इस पे कर सकते हैं, मैं इस पे ब्लू कलर ले रही हूँ। ब्रश को इस तरीके से दोनों तरफ से साफ करेंगे और पॉट को इस तरीके से पकड़ेंगे। देन इसे फिल करते हुए टेक्सचर को इस तरीके से और पेंट करेंगे। जहां तक ब्रश जाता है वहां तक आप इसे कवर करेंगे और इसे धूप में अच्छे से सुखा लेंगे। 3 से 4 घंटे में ये सूख जाएगा, फिर हम इस पे आगे काम करेंगे।
पॉट हमारा सूख गया है, अब हम इस पे कलर करेंगे। मैंने ये ब्लू कलर लिया है तो इसके साथ सिल्वर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाएगा। मैं सिल्वर कलर का टच दूंगी। अगर आप मैरून या कोई डार्क कलर और लेते हैं तो उसमें गोल्डन, सिल्वर, कॉपर जो भी उसके साथ सेट बैठे वो कलर आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ फैब्रिक कलर लिया है, सिल्वर कलर। एक राउंड ब्रश है ये। अब हम इसे थोड़ा ऊपर रख लेंगे पॉट को। कलर को आप अच्छे से मिक्स करके पॉट को थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे। और जो ये हमने बनाया टेक्सचर इसको हाईलाइट करेंगे। ये हमने पूरे पॉट के टेक्सचर को हाईलाइट कर दिया है। अब हम इसे सुखा लेंगे। सूखने के बाद हम इस पे वार्निश का एक कोट करेंगे जिससे कि इस पे शाइन आ जाए और इस पॉट को मजबूती मिल जाएगी। ये हमारा पॉट बिल्कुल सूख गया है। अब हम इस पे वार्निश करेंगे। पेंट शॉप से आपको क्लियर वार्निश मिल जाएगी, क्लियर वार्निश ही लेनी है। इससे इस पॉट को मजबूती मिलेगी क्योंकि वार्निश जो होती है वो बहुत स्टिकी हो रहती है, और दूसरा इस पे शाइन आएगी, एक ग्लॉसी लुक आएगा। वार्निश को ब्रश से हमने पूरी तरह के से अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। टेक्सचर में कहीं भी वार्निश फंसी नहीं रहनी चाहिए वरना वो धीरे धीरे टपकने लगेगी। जब भी आप पेंट कर ले उसके बाद तुरंत ही ब्रश को साफ करेंगे। मैंने यहाँ इस टप्पर में तारपीन का तेल लिया है। आप मिट्टी तेल या तारपीन का तेल जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं, क्योंकि ये पेंट और वार्निश का जो ब्रश होता है इसके लिए तारपीन का तेल या मिट्टी तेल आपने लेना है। इसमें आप इस तरीके से अच्छे से वॉश करेंगे और फिर ड्राई क्लॉथ पे ड्राई करेंगे ब्रश को इस तरीके से। हाथ से चेक करना आपने ये ब्रश सही है, इसमें कहीं स्टिकीपन तो नहीं है। स्टिकी हो तो दोबारा से आप इसी तरीके से करेंगे।